इधर उधर ही फालतू गल्ला की कर देंगे। मोटरसाइकिल स्कूटर पे जाते हैं भी अपन मोबाइल पे गल्ला कर लेते हैं, ये नहीं पता कि अपनी जिंदगी खतरे दे विच है, फिर भी अपन उस खतरे को अपने वाली खींचते हैं। जो उस समय अपन उस परमात्मा का नाम लेके अपने गुरु का नाम लेके तो जेडे मुश्किलों के विच इंसान अजकल चल रहा वो मुश्किल हल हो रहे, इसलिए जिन्ना भी समय वध तो वध मिले उन्ना वध तो वध ही अपना उस परमात्मा का नाम जपिए, जिस घर में बजुर्गों का बच्चों का मान सत्कार होता है उस घर में सदा ही रहमता रहती है। किसी शायर ने लिखा ओ एक वृक्ष को आग लगी, ओ एक वृक्ष को आग लगी जब जलने लगे उसके पाप। एक दरख्त सीगा उन अग लग गई, पक्षियों का आलना बनाया हुआ है, ये माँ बाप जेडे ने बजुर्ग ने एक पेड़ का कम करते हैं, आप धुप्पे खड़े होंगे तो बच्चों थले छां देते, जो पेड़ के उपर पक्षियों ने आलना बनाया से वो अपना बच्चे है माँ बाप। एक वृक्ष को आग लगी जब जलने लगे उसके पाप, तुसी क्यों रोंदे पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षी अगों की कहते हैं बारह बरसा सी मेवा खाता, ओ बारह बरसा सी मेवा खाता बीटल बेड़े पाप, उड़ना ते साड़ा धर्म नहीं हो जल जाना है इस पेसा। पक्षी कहते हैं सी बारह साल मेवे खाते साढ़े बच्चे इतने पैदा हुए, साढ़िया बिट्टा ने उन्होंने पत्ते खराब करके दरख्त दे फिर भी इन्हें कुछ नहीं किया, सानू प्यार ही दिता असी किवें उठ के इन्हू छ चलिए, यह नहीं कि माँ बाप बजुर्ग हो गए ने अपना कमान लग गए नौकरी लग गए तो चलो छोड़ो जी तुम पैरों पापा जी असी चले अपने अपनी जिंदगी लिए। इसलिए जिन्ना भी हो सके बच्चों का बजुर्गों का मान सत्कार करिए। जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण।